तो फिर से स्वागत करता हूं, मैं अनिल बिस्वानी आपका अन अकेडमी में। अन अकेडमी का ये चैनल है जो अन अकेडमी के सौजन्य से चल रहा है, टीचिंग ज्ञान, ये चैनल है जो डिवोटेड है टीचिंग के लिए। इस समय प्राइस ड्रॉप 25% किया हुआ है ऐप की क्लासेस के सब्सक्रिप्शन में अन अकेडमी ने। यह आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और बार बार बता रहा हूं, ये बेहतरीन मौका है अपने आप को। आप ठीक हैं? आप सही है बेटा? ओके यार, मैंने तो यहां शुरू कर दिया था, फिर मैं पढ़ाता रहा, 5 मिनट हो गया और पता चला कि मैं आ गए। मैं तो शुरू हो गया था। मैं आपको बता रहा था कि 25% ड्रॉप किया गया है, ये सब मैं बता चुका था। 5 मिनट तक मैं बोलता रहा, मुझे लगा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कमेंट्स में पढ़ रहा था। आप जब वेलकम बैक किए तो मुझे लगा कि आप मुझे देख लिए हैं। चलिए खैर, पहुंच जाते हैं क्लास में। तो 25% का ये ड्रॉप हुआ है। और दूसरा जो अनाउंसमेंट मैंने किया था वो ये था कि सुपर टेट का कोर्स जो है वो शुरू किया गया है। मैं ये बता रहा था कि अन अकेडमी के साथ जब आप एक बार उसको सब्सक्राइब करते हैं, अन अकेडमी का कोर्स एक बार आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको जो चीजें मिलती हैं वो ये हैं कि जैसे आपने टेट का कोर्स लिया, तो टेट का कोर्स जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया, तो टेट की कैटेगरी में टीचिंग की सभी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे इन सभी के प्लस क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। और अन अकेडमी पर पढ़ने का जो आनंद है वो बिल्कुल अलग ही है। आप इस बात को जानते हो, अन अकेडमी पर पढ़ने का वास्तव में ट्रू लर्निंग वहीं पर होती है जहां ज्यादा तामझाम नहीं होता, सीधे बात का इंटरेक्शन होता है। आपकी बात मेरे तक पहुंचती है, मेरी बात आप तक पहुंचती है, एकदम कहीं कोई इन बिटवीन नहीं होता। तो ये फायदे हैं, आपको पता है। और अब मैं बात करूंगा शेक्सपियर की, जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। और काफी सारी बातें शेक्सपियर के बारे में हम लोग जान चुके हैं अब तक। हम लोग ये जान चुके हैं कहाँ वो पैदा हुए, किस तरह से गए और कैसे संघर्ष किया, और इन्फ्लुएंस शेक्सपियर पर क्या रहा, क्रिस्टोफर मार्लोज का, क्रिस्टोफर मार्लोज कौन थे, ये सब चीजें, और उनके कुछ खास ड्रामास की बातें हम लोग कर रहे थे कि उनका कोलोबरेशन किन किन के साथ रहा, जो उनके कंटेम्पोरेरी राइटर्स थे उनमें किन के किन के साथ, उनका किस किस ड्रामास में, किस किस ड्रामा में उनका कोलेबरेशन रहा लोगों के साथ, तो कैसे लिखा उन्होंने। तो ये मैकबेथ की बात हम लोग कर रहे थे, थॉमस मिडल्टन ने ये रिवाइज किया है इस ट्रेजेडी को, ऐसा माना जाता है 1615 में इनके लिखने के बाद, टू इनकॉर्पोरेट एक्स्ट्रा म्यूजिकल सीक्वेंस। उसमें जो एक्स्ट्रा म्यूजिकल सीक्वेंस उसकी डिक्शन में डाला गया है, उसका जो बेहतरीन संचालन किया गया है, मंच के लायक बनाया गया है। और मंच के लायक बनाने के बाद क्या कर रहा था मैं, हाँ, जो उन्होंने म्यूजिकल सीक्वेंस उसमें डाला, उसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि मैकबेथ में थॉमस मिडलटन का भी योगदान था। मीजर फॉर मीजर जिनका ड्रामा था, मे हैव अंडरगॉन अ लाइट रिवीजन बाय मिडलटन। मिडलटन ने इसको भी थोड़ा सा रिवाइज किया है और इसकी भाषा को मजबूती दी है, एट सम पॉइंट्स आफ्टर इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन। जो इनका ओरिजिनल कंपोजिशन था उसको काट छांट करके इस लायक बनाया कि वो परफॉर्म किया जा सके स्टेज पर। और उसमें कहीं कहानी में या किसी तरह की कोई बदलाव इन्होंने नहीं किया, बस भाषाई दृष्टि से उसको फिनिशिंग दी है, ये कहा जा सकता है मीजर फॉर मीजर के बारे में। और ये दोनों काम करने वाले मैकबेथ, और इसके लिए एक नाम याद रखना है आपको, थॉमस मिडलटन, जो इनके कंटेम्पररी राइटर्स के सहायक के रूप में कह सकते हैं। बाकी के सारे राइटर्स को इन्होंने खा लिया था। कहते हैं ना, जब सचिन तेंदुलकर का समय था तो किसी की सेंचुरी जो है इतना हाईलाइट नहीं हो पाती थी जितना कि सचिन तेंदुलकर की होती थी। जिस भी मैच में कोई और राहुल द्रविड़ सेंचुरी बनाते थे और उसी में दूसरा भी बना देता था, कौन, राहुल द्रविड़ के साथ पा करके सचिन तेंदुलकर या सौरभ गांगुली या गावस या दूसरे जो ये सहवाग थे, ये सेंचुरी बना करके और
उसका द्रविड़ का जो है क्रेज छीन ले जाते थे, ऐसे कह सकते। तो ये ऐसा हावी थे उस समय के लेखन क्षेत्र में और एक्टिंग क्षेत्र में, इतना पैसा आ रहा था इनके पास, छपाई हो रहे थे, ड्रामा जा रहे थे, हर वर्ष एक ड्रामा, दो दो ड्रामा लिख रहे थे, लंबी लंबी कविताएं लिख रहे थे, पैसा खूब सारा आ रहा था। तो बाकी राइटर्स जो बाद में नाम तो कमाए, इनको उस समय के सहायक के रूप में ही रहते थे, ऐसा कह सकते हैं। अरे जब होगा देख लेंगे, एग्जाम मेरे ख्याल से हो जाएगा। कौन सा एग्जाम? जूनियर वाला? मैम जूनियर वाला आप देख लीजिए, उसमें क्या नेटवर्क पे बता रहा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं कोई गैस नहीं करता, गवर्नमेंट के कामकाज में कभी सही नहीं रहता। मेरी खुद की ज्वाइनिंग 1 साल लटक गई, 1 साल हो जाता मुझे अपनी अभी सैलरी पाते हुए, और मुझे अभी 4 महीने तक और सैलरी नहीं मिलेगी। तो आप समझिए जरा, गवर्नमेंट के मामले में कोई प्रिडिक्शन करना ठीक नहीं, वो अपने हिसाब से नेता लोग काम करते हैं, आप उसमें बीच में काम आपका होता रहता है, लेकिन वो करते अपने इलेक्शन के हिसाब से। तो ये सब अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना? आप तंत्र में आओगे तो बड़ा दुखी होगे मेरी तरह शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में ढल जाओगे इसी में, ठीक है ना? मैं बड़ी बड़ी बातें करता था, हालांकि अभी भी करता हूँ, मेरा कोई मॉरल डाउन नहीं हुआ बच्चों को लेकर के, जो मेरी मेरे अंदर भावनाएं थी वो अब भी वैसी ही है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। हाँ ये है कि लोगों का रवैया और गवर्नमेंट का काम करने का, जो प्रशासन का काम करने का तरीका है, वो मुझे बहुत ही गंदा लगता है, बिल्कुल। और आपको भी महसूस होगा तभी जब आप आओगे, ठीक है? इसके बाद पेरिकल्स की बात करेंगे, जिसको दूसरा नाम प्रिंस ऑफ टायर भी था, याद रखना है। पेरिकल द प्रिंस ऑफ टायर मे हैव इंक्लूड द वर्क ऑफ जॉर्ज विल्किंस। जॉर्ज विल्किंस का काम ये हो सकता है, आइदर एज कोलोबरेशन और रिवाइजर, और रिवाइज इनका जरूर इसमें हाथ रहा था, जॉर्ज विल्किंस का। इसको या तो इन्होंने रिवाइज किया था, या कोलोबरेट करके आधा आधा लिखा हो, या कुछ पार्ट लिखा हो, या इसको रिवाइज किया हो, या रिवाइज इन्होंने, या तो इनका रिवाइज किया गया, रिवाइजर, इस वर्ड को समझ लेना बेटा, या तो वो रिवाइजर थे यानी उन्होंने किया था, या रिवाइजी थे यानी इनका किया गया था, इनका वर्क था, इनका वर्क था, रिवाइज किया गया था, रिवाइज किया गया था, बात समझ रहे हैं? यानी या तो इन्होंने रिवाइज किया था तो दूसरे का लिखा था, यानी शेक्सपियर का लिखा था, या तो शेक्सपियर ने इनके लिखे को रिवाइज किया था, बात समझ रहे हैं? ये कहानी थी वहां पर पेरिकल्स के बारे में, ऐसा लोग बता रहे हैं। टिमंस ऑफ एथेंस जो इनका ड्रामा है, टिमंस ऑफ एथेंस में रिजल्ट फ्रॉम कोलोबरेशन बिटवीन शेक्सपियर एंड मिडल्टन, इसमें भी मिडल्टन का बड़ा योगदान हो सकता है, ऐसा कुछ क्रिटिक मानते हैं। दिस मे एक्सप्लेन इट्स यूजुअल प्लॉट और यूजुअली साइनिकल टोन। जो इसकी साइनिकल, माने जो साइनिकल का मतलब होता है सनक वाली, सनक वाली, जो सनक वाली इनकी टोन है इस ड्रामा की, टिमस ऑफ मिडल्टन की, एथेंस की, इसकी टोन से लग रहा है कि मिडल्टन का इसमें हाथ हो सकता है, इनका कोलोबरेशन हो सकता है। गुड इवनिंग भैया, प्रिया जी, प्रिया तो आजकल बिल्कुल टहलती रहती है इधर उधर, पंछी की तरह, आजाद पंछी की तरह, जैसे मेंस देने जा रही है और जो है मेंस दे चुकी है और इंटरव्यू की बस तैयारी है, फाइनल है, बिल्कुल हो गया समझ लो, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है प्रिया बेटा। टाइटस एंड्रोनिकस, देखो कितने सारे ड्रामाज हैं इनके, लगभग 25 ड्रामाज, यानी मोर देन 80%, 70% ड्रामाज जो है ये किसी दूसरे के सहयोग से, जॉर्ज पील का नाम इसमें लिया जाता है, टाइटस एंटोनिकस में मे हैव बीन कोलैबोरेटेड विद रिवीजन बाय, या तो कोलैबोरेशन हुआ है या तो उन्होंने रिवीजन किया है इसका, इन्होंने लिख के इसे डाल दिया होगा, भैया इसको तैयार कर दो, ठीक है छपने के लिए, बिल्कुल। तो भाषाई दृष्टि से उसको बिल्कुल मजबूत कर दिया, कहीं कोई डायलॉग छूट गया, किसी प्रकार की कोई सेंस में कमी आ रही महसूस, तो उसको शब्द बढ़ा घटा दिए, इस तरह से जॉर्ज पील ने उसके साथ रिवीजन वर्क किया होगा। द टू नोबल किंसमैन पब्लिश्ड इन क्वार्टो, जो कि क्वार्टो में पब्लिश किया गया है 1634 में, एंड एट्रीब्यूटेड टू फ्लेचर एंड शेक्सपियर। ये एट्रीब्यूटेड किया गया था, यानी इसको प्रदान किया था दोनों ने मिल करके, ऐसा कहा गया। Each playwright appears to have written about half of the text. लगभग 50% दोनों ने लिखा, किंग्समैन
किसको, द टू नोबल किंग्समैन, 50% फ्लेचर ने लिखा और 50% शेक्सपियर ने लिखा। बेटा ये पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। अच्छा रिकॉर्डर देखती है, जो रिकॉर्डर देखने का बहाना करेगा वो अच्छे से सुन ले कि उसका मैं कमेंट देखना चाहता हूं वीडियो बॉक्स में, ऑफलाइन में, ऑफलाइन में कोई कमेंट नहीं। अरे आया प्रवसी देवी जी, बैठिए पधारिए आप, मैं पढ़ाने में समझाने में लगा हूं, मैं बातें करता रहूंगा बीच बीच में तो कैसे काम चलेगा। ज्योति, सोमदत्त भैया, चंचल मैम, मैं सबको देख रहा हूं, सबको पढ़ रहा हूं, का स्वागत करें बार बार उसी बात को। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आपका, ये अनिल बिस्वानी, ये आई यूट्यूब चैनल, ये सब ना ही हो पाता हमसे ज्यादा, मजबूरी में गला करना पड़ता थोड़ा बहुत, ठीक है ना। हाँ सब करना, कमेंट करना सबने, अब करोगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो भैया देखो जो ओरिजिनलिटी है उसको आप अपने अंदर ले लो, बाकी हम माध्यम है बीच में और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ज्योत्सना मौर्य जी आइए, पधारिए, बैठिए, चाय वाय लीजिए, मैं अगले आगे बढ़ता हूँ और ध्यान से समझिए। क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो ऑल्सो नोन एज किट मार्लो, किट मार्लो इट वॉज द पेट नेम ऑफ मार्लो, और ये बचपन का नाम था। इनका बैप्टाइजेशन किया गया 26 फेब को। अभी देखो उस दिन टेस्ट पेपर कर रहे थे आप, जब आप रिवीजन कर रहे थे 6:30 वाली क्लास में ऐप पर, तो बैप्टाइज कब हुए थे क्रिस्टोफर मार्लो, इसके क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। तो मैंने वो क्वेश्चंस इसीलिए करवाए थे कि अब आपको पता चल जाए कि क्रिस्टोफर मार्लो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स से आएंगे क्वेश्चन। तो यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो नाम था वो क्रिस्टोफर मार्लो का ही था, मार्लो का ही था। तो इनको तो इनके बारे में जानने जाना और शेक्सपियर के साथ इनका कंपेरेटिवली पढ़ना, यानी अगर आप शेक्सपियर पढ़ रहे हैं और मार्लो के बारे में जानकारी नहीं जाने, यानी इनके बारे में आप नहीं जानने की कोशिश किए, तो आप खता खाओगे फिर, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो शेक्सपियर को पढ़ रहे हो आप तो मार्लो का जिक्र तो आने जाना है। तो बैप्टाइजेशन मार्लो का 26 फरवरी को 1564, अब देखिए इनके जन्म का सेम ईयर था और डेट भी सेम थी, लेकिन इनका फरवरी था और उनका अप्रैल था, शेक्सपियर का अप्रैल था और इनका फरवरी था, बात समझ रहे हैं, ईयर जो है वो सेम था। कौन है? कोरोना आ गया क्या बाहर गए? तो 1564 यानी ईयर इनके जन्म का सेम, वो ताला भूल, चाबी भूल गया है तो वो ताला तोड़ रहा है नाला, वही देखने गए थे, तोड़ लेने दो क्या करे, तो क्या ऐसे ही टूट गया, चलो बधाई भैया। तो आगे बढ़े, तो इनका बैप्टाइजेशन किया गया, ठीक है ना। और ये थे कौन, ये प्ले राइट थे, नाटककार थे, पोएट थे और ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन एरा यानी कंटेम्पोररी ऑफ शेक्सपियर। मार्लो वॉज बॉर्न ऑन 26 फेब 1564 इन द सेम ईयर व्हेन शेक्सपियर वॉज बॉर्न, ठीक है ना। और इनकी डेथ हुई थी 93 में, ये बहुत कम समय जिए, ये खूब पीते थे, खूब खुल के जीते थे और काफी कुछ लिख करके ये 1593 में निकल लिए, खुल के खेलते थे, यानी खुल के खेलने वाले थे। देखो ना कितने साल में निकल लिए, 64 93 है ना, 36 था और 36 में 7 और निकल गया, यानी ये पार नहीं कर पाए 30,
और इतने में शेक्सपियर को राह दिखा दी ब्लैंक वर्स के जरिए, जो शेक्सपियर ने झंडे गाड़ दिए कमाल के। और ये बात आप पक्का जान लीजिए, अगर क्रिस्टोफर, इफ क्रिस्टोफर मार्लोज हैड नॉट डाइड, ही वुड हैव बीन बेटर परफॉर्मर देन शेक्सपियर। शेक्सपियर की तो औकात, शेक्सपियर को पहुंचाए क्रिस्टोफर मार्लो, पूरी तरह से पूरा इनकी ब्लैंक वर्स को कॉपी करके रख दिया, और डॉक्टर फास्टर्स और दूसरे जो ड्रामाज हैं इनके, उनके उनको पढ़ के उनके आधार बना करके बहुत सारे थीम्स इनसे लेकर के शेक्सपियर शेक्सपियर बन गए। और उन्होंने बहुत सारा मदद भी अपने साथी राइटर्स की दिया, जो वो लिखते थे रफ वर्क लिखते थे और उसे रिवीजन के लिए एक बंदा रखते थे, बाद में वो बंदा शेक्सपियर का चेला बन करके और आगे बहुत बड़ा नाम कमाया। ऐसे कुछ राइटर्स थे कंटेम्पोररी। अब ये जो वर्क्स हैं, ये हैं उनके बारे में, थोड़ा बातें आगे हम करेंगे। लेकिन डिडो, ये डिडो, डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज, थॉमस नैश के द्वारा को रिटन थी ये डिडो, जिसको हम क्वीन ऑफ कार्थेज कहते हैं। छोटा तो नहीं है बेटा ज्यादा, ये छोटा तो नहीं है ज्योत्सना जी। ठीक है, न्यू स्टूडेंट, कोई बात नहीं, मजे लीजिए, बढ़िया बैठिए। हाँ, मैं यूं गया था, ज्योत्सना कह रही यूं, ये वाली कौन सी इमोजी होती है जो ऐसे बताता है, ये क्या होती है? थॉमस नैश इसके को रिटन थे, यानी इन्होंने थॉमस नैश के साथ लिखा था, और ये 1594 में लिखा गया था। टम्बरलेन द ग्रेट, ये पार्ट फर्स्ट लिखा था इन्होंने 1587 में, पार्ट सेकंड लिखा था इन्होंने 1587 से 88 से के बीच, 87 में ही शुरू कर दिया था, 88 तक लिखा था इन्होंने, प्रिंट किया था इन्होंने 1590 में उसको। ज्यू ऑफ माल्टा, ये बहुत फेमस हुई थी रामायण का, 1589 और 90 के दौरान इन्होंने लिखा था अपनी मृत्यु से 4 साल पहले, और प्रिंट किया गया था ये 1633 में, जब शेक्सपियर का दूसरा फोलियो आया उसके बाद ये प्रिंट की गई 1633 में। डॉक्टर फास्टस, ये 1588 में इन्होंने लिखा था और 92 में प्रिंट किया गया, पब्लिश किया गया, सॉरी 88 और 92 के बीच में इन्होंने लिखा था, सबसे बेहतरीन मास्टरपीस इनका यही कहा जाता है, मास्टरपीस है जो प्रिंट किया गया 1604 में और फिर दोबारा 1616 में। एडवर्ड सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस तरह से पूछ लिया जाता है, एडवर्ड सेकंड किसका है लिखा हुआ, तो आप शेक्सपियर की तरफ तुरंत चले जाते हो। ये हिस्टोरिकल ड्रामा है, हिस्टोरिकल ड्रामा है मार्लो का, मार्लो का हिस्टोरिकल ड्रामा है, और ये मैच खाता है काफी कुछ आपके शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल ड्रामाज हैं उनके नाम से, ठीक है ना। तो अक्सर आप कंफ्यूज होकर के शेक्सपियर का इसको बता बैठते हैं, लेकिन वो है किसका ये याद रखना, एडवर्ड नाम से कोई भी राजा शेक्सपियर का राइटर नहीं, ठीक है ना। वहां रिचर्ड है और हेनरी, ठीक है ना, रिचर्ड और हेनरी है, और एक वही है अकेला, नाम भूल गया मैं, आप बताओगे, जॉन डॉन, क्या नाम है उसका, जॉन, किंग जॉन। 1592 में इसको प्रिंट किया गया, प्रिंट किया गया 94 में। द मसाक्रे ऑफ पेरिस, ये लिखा था इन्होंने 1593 में, उस वर्ष जब इनकी मृत्यु होने वाली थी, और प्रिंट किया गया था इसको 94 में। शेक्सपियर ने लिखा था एडवर्ड टू पे नहीं बेस करके, रिचर्ड, हाँ रिचर्ड, ये रिचर्ड टू की बात कर रहे हैं, एडवर्ड टू ये इसी पर बेस्ड है, लेकिन उसके नाम में फर्क है, रिचर्ड अलग है, एडवर्ड अलग है। तो ये नाम, अब चूंकि अंग्रेजों के नाम है तो हमारे साथ क्या होता है, हम मिलते जुलते नाम देख करके उसको समझ बैठते हैं दूसरे का। मैंने बताया ना अभी, अभी जो मैंने बात बताई थी वो ये है, आपने कहानी में आपकी बताई थी कि कैसे आप तैयारी में आए टीजीटी की, टीजीटी की तैयारी में कैसे आए, और हिंदुस्तानी हैं आप और खासतौर से यूपी के हैं, हमारे भैया हैं, तो उसमें कंफ्यूजन तो नाम में होने होना है, और आप अक्सर ऐसा गलती कर बैठते हैं। अब इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर पर किसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था, वो था क्रिस्टोफर मार्लो। इस बात को मैंने यहां पॉइंट आउट अधिक डिटेल में करने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि शेक्सपियर का और मार्लो का बहुत ही गहरा रिश्ता था, एकेडमिकली देखा जाए, एक एज अ राइटर, एज अ को वर्कर, एज एज अ यूजर ऑफ माइटी माइंड ऑफ मार्लो, माइटी लाइन ऑफ मार्लो, यानी ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स
वजह से ये बड़ा गहरा रिश्ता था क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर के बीच में। तो एलिजाबेथन प्लेराइट क्रिस्टोफर मार्लो इज टू बी क्रेडिटेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इसके ये प्रोडक्ट थे। एज शेक्सपियर्स को राइट ऑन थ्री ऑफ द बार्स प्ले, तीन ड्रामाज शेक्सपियर के मार्लोज ने को राइट किए थे, यानी सह लेखक थे ये उनके। तो कितना बेहतरीन पॉइंट है ये, सह लेखक थे तीन ड्रामास का, आगे हम जिक्र करेंगे अभी। और ये जुड़े किससे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। इस तरह के क्वेश्चन से आपको होशियार रहना ही होगा, किस प्रेस के साथ ऑक्सफोर्ड और किस प्रेस के साथ क्रिस्टोफर और बार्ड ऑफ एवन दोनों, बार्ड अकेला, बार्ड जब कहा जाए तो समझ लो बार्ड गवैया, किसको हम शेक्सपियर को ही कहते हैं, बहुत बड़ा गवैया सबसे बने, बार्ड शब्द का ये पर्यायवाची बन गए। बार्ड का मतलब गायक होता, गवैया होता है जो जो गीतकार होता है, जो लिखता भी है और गाता भी है, ठीक है ना। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ दोनों का कनेक्शन क्या था, क्योंकि तीन में ये तीन ड्रामास शेक्सपियर के को रिटन किए गए थे, किसके द्वारा, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। मार्लो हैज लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड इन सम क्वार्टर्स ऑफ हैविंग अ हैंड इन सम ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स, इस पर बहुत ज्यादा शंका हमेशा से क्रिटिक्स को और एजुकेशनिस्ट को रही है, कि उनका यह संदेह रहा है कि कई सारे ड्रामाज में मार्लो का योगदान रहा है शेक्सपियर के। द टू ड्रामेटिस्ट विल नाउ ज्वाइंटली अपियर, और फिर दोनों अपियर भी हुए हैं एक साथ ऑन द टाइटल पेज हेनरी सिक्स के टाइटल पेज पर दोनों का एक साथ फोटो छापने का सौभाग्य जिसको मिला वो था न्यू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, न्यू ऑक्सफोर्ड प्रेस। क्लियर हो गए बेटा? क्या टॉम जोन्स कहां से आ गया यहां? अगर क्रिस्टोफर अलाइव रहता थोड़ा और ज्यादा तो शेक्सपियर से ज्यादा ग्रेट। अच्छा, अभी अंग्रेजी में हम बताए थे तो गलत बताए थे। इफ मार्लो हैड नॉट बीन डाइड अर्लियर ही वुड हैव बीन ग्रेटर देन शेक्सपियर, हमने कहा था ग्रेटर देन शेक्सपियर, वुड हैव बीन ग्रेटर देन शेक्सपियर, यही तो मैंने बताया था, बिल्कुल सही कहा आपने। शिखा त्रिपाठी, आई एग्री 100% टू यू विद यू। द डेट्स ऑफ कंपोजिशन में डेट भी एग्जाम में पूछी जाएगी, सर बता दीजिए क्या डेट कंपोजिशन, किसकी कंपोजिशन की डेट, किसके कंपोजिशन की डेट, कंपोज ही नहीं हुआ कुछ अभी इस पेज पे। और जो डेट्स मेंशन है वो काफी है, इतनी बहुत ज्यादा डेट्स मेंशन कर लिए हैं, वो उतनी डेट्स बहुत है, जितना पूछा जा सकता है, जितना मैं बता रहा हूं उतना तैयार करिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लंबे लंबे कमेंट लिखोगे तो हम वहीं टहलते रहेंगे, तुम्हारा ये रहते रह जाएगा। तो सुनो ज्यादा हमको, हमको पढ़ाओ कम, रिसर्च पढ़ो ज्यादा पढ़ाओ कम। रिसर्चर्स हैव वेरीफाइड मार्लोज कंट्रीब्यूशन स्ट्रांगली एंड क्लियरली इनफ, जो रिसर्चर्स हैं भाषाओं को दोनों के नाटकों की पढ़कर इस बात को बहुत ही मजबूती से और बहुत स्पष्ट रूप से, काफी स्पष्ट रूप से मार्लो के कंट्रीब्यूशन को अलग किया है। एडिटर गैरी टेलर कहते हैं मार्लो हु इज नोन फॉर राइटिंग प्लेज इंक्लूडिंग डॉक्टर फास्टस वॉज फर्स्ट सस्पेक्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू हेनरी तीन ड्रामा, कौन कौन, हेनरी फिफ्थ। और रही ड्रामाज के डेट की बात बेटा, तो ये सबसे पहले मैंने यही काम किया था कि किस डेट में, किस ईयर में कौन सा ड्रामा उन्होंने लिखा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, डॉक्टर फास्टस के राइटर जो थे वॉज फर्स्ट सस्पेक्टेड, इन्हीं पर सबसे ज्यादा संदेह किया गया कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कितने में, हेनरी सिक्स्थ का पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यही वो तीनों ड्रामाज हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन का इनमें संदेह किया जाता है, हेनरी के तीनों पार्ट, हेनरी सिक्स के तीनों पार्ट, पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अलोंग विद अदर शेक्सपियर प्लेज एज फॉर बैक एज द 18th सेंचुरी। और इसके साथ साथ कई और ड्रामाज भी हैं जिसमें काफी सारी सहभागिता दिखती है शेक्सपियर के साथ मार्लो की भी, ऐसा हमारे क्रिटिक्स और हमारे जो विद्वान लोग हैं वो अब शंका करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं, बड़ा सन्नाटा सा है, नहीं ठीक है सन्नाटा ही रहने दो, तभी ध्यान से सुनो।
फर्स्ट फोलियो, अब बात करेंगे हम उस पहले पब्लिकेशन की, फर्स्ट एंथोलॉजी की बात करेंगे हम। एंथोलॉजी तो पोएम्स का कलेक्शन होता है, यहां फर्स्ट फोलियो की बात करेंगे। और ये फोलियो है, फोलियो का मतलब है ये, है ना, ये खुल गई किताब, ऐसे ये लिखा हुआ है और ये पेज पलटा, ये लिखा हुआ है, ये फोलियो है। जैसे रामायण देखा आपने, रामायण बड़ी वाली मोटी वाली रामायण जो होती है ना बेटा, वो फोलियो में है। वो किसमें है? वो फोलियो में है, उसको हम फोलियो कहते हैं। तो जो पहला फोलियो आया उसमें एक साथ एक ही जैसा रामायण बनाई गई है। मैं यहां तो नहीं, मैं दिखाता अभी आपको, मेरे पास उसका एक फोलियो है, लेकिन वो मॉडर्न है बिल्कुल, उसमें कोई हिस्टोरिकल बात नहीं है। मैं बाराबंकी में है, तो वो इतना मोटा है, इतना मोटा है। उसमें सारे 36 शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में 36 ड्रामास का कलेक्शन है, ओरिजिनल भाषा में, बिल्कुल परिष्कृत भाषा, बहुत शुद्ध लिखी हुई, और इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस। तो जो फर्स्ट फोलियो आया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फर्स्ट फोलियो इंक्लूडेड 36 ऑफ शेक्सपियर्स 38 नोन प्लेज। जो 38 नोन प्लेज हैं, जिनके बारे में मैं बता चुका हूं आपको, उनमें से 36 थे किसमें? फर्स्ट फोलियो में। 18 ऑफ विच हैड नेवर बीन प्रिंटेड एंड वुड प्रोबेबली हैव बीन लॉस्ट टू हिस्ट्री इफ नॉट इंक्लूडेड। उनमें से 18, मैं इसको थोड़ा हटा के और गहराई से समझा दूं आपको, गहराई में समझना तो चाहते हो, ध्यान कितना रखोगे भगवान पता नहीं। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो पूंजा मानवानी। थर्टी सिक्स प्लेज में से 18 ऐसे थे जो उससे पहले कभी प्रिंट नहीं किए गए थे, और अगर प्रिंट न किए जाते, देखो यही सेंटेंस तो ही पा, हैड नेवर बिफोर बीन प्रिंटेड, प्रिंट नहीं किए गए थे, एंड वुड प्रोबेबली हैव लॉस्ट, खो गए होते, लेकिन खोए नहीं ना। वुड हैव बीन का इस तरह यूज करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ, तो पैसिव बनता है, उन कामों का जो नहीं होने चाहिए थे लेकिन हुए, या जो होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, ऐसे। तो वुड हैव बीन वुड प्रोबेबली हैव बीन लॉस्ट टू हिस्ट्री, इतिहास में खो गए होते, खो गए होते लेकिन खोए नहीं। एंड द टेक्स्ट एडिटेड बाय शेक्सपियर्स क्लोज फ्रेंड फ्रेंड्स एंड हिज फेलो राइटर्स एंड एक्टर्स, इनके साथ में जो एक्टर्स थे, राइटर्स थे, इनके चमचे थे, इनके जूनियर थे, जो इनको देखकर आदर्श मानकर सीखते थे, वो सभी आर कंसीडर्ड द मोस्ट अथॉरिटेटिव ऑफ ऑल अरेबियन। वो सब ऑथराइज्ड थे, वो अधिकारी थे उस पहली प्रिंटिंग के, जो जो 1356 जो 1623 में घटित हुई, इनकी मृत्यु के जस्ट बाद। शेक्सपियर्स रेपुटेशन टुडे रेस्ट लार्जली ऑन द पब्लिकेशन ऑफ दिस पोर्टफोलियो। अब जो शेक्सपियर की ये महिमा हम बखान कर रहे हैं, ये उस 1623 के पहले पब्लिकेशन जो फोलियो था, उसी पर, उसी के कंधों पर रखी हुई। एक खो गया था योगेश भैया, कहाँ रहते हो, मैं क्लास में नहीं रहोगे तो भाई, तो औरतें सब कहेंगे तो तुम कर पूछिए आओगे। हाँ बाबू, योगेश भैया आते तो हो क्लास में, लेकिन कभी कभी ना आते हो, कभी कभी निकल जाते हो खटखटा के, हेलो सर निकल लिए। हाँ, 1623 में, ठीक है ना, तो ये आप समझ गए। अब मैं आगे फोलियो की बात करूंगा। मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, इसका चित्र नहीं दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ये सेकंड फोलियो का चित्र, ये सेकंड, मैं चित्र दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप देख लीजिए, मजा ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है? ये फर्स्ट फोलियो, ये सेकंड फोलियो, ये परिष्कृत हो गया, देखो कितनी मॉडिफाइड हो गया, ये मॉडिफाइड हो गया 20 वर्षों बाद, छपा 10 वर्षों बाद, तो ये मॉडिफाइड हो गया, बढ़िया। हाँ, ठीक है, परिकल्स नहीं थी, बहुत तो ज्ञानी है हमारे बच्चे। ये फर्स्ट फोलियो, ये थोड़ा देखो ओल्ड ओल्ड सा लग रहा है ना, ये प्रिंटिंग देखो रामायण की तरह बिल्कुल छपा हुआ है, फर्स्ट फोलियो, ठीक है ना। आप बात करेंगे यहां,
वाह 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 वाह, सीमा रानी बड़ी सयानी आ गई, वाह वाह, कहाँ चली जाती उस सीमा तुम। मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज, ये था नाम, देखो ना बेटा ये था नाम, मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो। बेटा 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 बेटा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या कर लोगे बताओ तुम, कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। और पूछ लिया उसके पब्लिशर कौन थे, काहे नहीं पूछेगा, पूछेगा वो ऑथर पता चल गया, कवर आर्टिस्ट पूछ लिया, मार्टिन डॉरशाउट, ये कवर पे जो चित्र बनाया था और कवर पे जो जो ये बनाया था कवर पेज, पहला वाला पेज, ये पेज किसने बनाया था, मार्टिन डॉरशाउट, कंट्री इंग्लैंड थी, लैंग्वेज इनकी अर्ली मॉडर्न परिष्कृत अंग्रेजी, परिष्कृत मॉडर्न आधुनिक अंग्रेजी। चासर ने जो कहानी शुरू की थी, जो अच्छा अच्छा लाइव थी, बट नॉट आई एम लाइव बट नॉट कमेंट, ठीक है अब हम ग्रामर नहीं समझाएंगे खूब, लेकिन समझो गलत है। तो जैनरोन का क्या था, शेक्सपियर का रिनेंसा था, पब्लिशर एडवर्ड ब्लाउंट एंड विलियम एंड आइजक जगार्ड, कितनी बार पूछा गया है, मेनी टाइम्स पूछा गया, यही नाम सबसे ज्यादा फेमस, आइजक जगार्ड, ये जो मेन पार्टनरशिप थे, ये मुख्य पार्टनरशिप थे, सबसे ज्यादा इनका ही हिस्सा था, आगे समझाऊंगा मैं, इनका जगाड़ का सबसे ज्यादा, आइजक जगाड़ का सबसे ज्यादा हिस्सा था। अब चलो इसकी कुछ खास बातें देखते हैं। तो हिस्ट्री, ये नाम था बेटा, ये नाम का नाम क्लियर हो गया, इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेज बाय शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1623, कॉमनली रिफर्ड टू बाय मॉडर्न स्कॉलर्स एंड द फर्स्ट फोलियो, जिसे फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है मॉडर्न स्कॉलर्स। इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स, सबसे प्रभावशाली में से एक, एवर पब्लिश्ड, अब तक जितनी पब्लिश की गई ये सबसे प्रभावशाली बुक के रूप में जानी जाती है। प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट एंड कंटेनिंग 36 प्लेज, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई शेक्सपियर्स कलीग जॉन हैमिंग्स। लो ये तैयार किसके द्वारा की गई थी, ये पॉइंट, वो जो जो सिंपल चीजें हैं, कितने प्ले थे, कितने क्या थे, ये सब रटे हुए हैं, आपको नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कौन इनका कलीग था, जो सहकर्मी था, एक्टर था, साथ में काम करता था, उसमें उसने रोल दिया था, जो दो थे, हेनरी कंडेल और जॉन हैमिंग्स, ये पूछेगा क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इट वॉज डेडिकेटेड टू द इनकम्परेबल पेयर ऑफ ब्रदरन, ये कौन था, ये थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक था, पेम्ब्रोक था, विलियम हर्बर्ट थर्ड अर्ल, ये नाम शेक्सपियर की जिंदगी में जुड़ा है और यहां से क्वेश्चंस बनेंगे और बनते ही हमेशा, जितनी जितने जितने जितनी कविता लिखी थी सब उसी के लिए, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक यानी विलियम हर्बर्ट के लिए लिखी थी, इनका बहुत अच्छी क्लोज रिले, आंतरिक संबंध थे इनके, इनका क्लोज रिलेशनशिप थी। तो इनकम्परेबल पेयर ऑफ ब्रदरन, ये संबोधन में लिखा था विलियम हर्बर्ट के लिए, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे जो शेक्सपियर के बहुत अच्छे क्लोज मित्र, एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट, और उनका एक भाई जिसका नाम फिलिप हर्बर्ट था, जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक का भाई था, फिलिप हर्बर्ट वाज द ब्रदर ऑफ पेम्ब्रोक, अर्ल ऑफ थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक यानी विलियम हर्बर्ट। अर्ल ऑफ मॉन्टेगोमी था वो, जिसका नाम फिलिप हर्बर्ट था, और ये फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक था, बाद में ये फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक बना आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। क्लियर आवा भैया कि नहीं, सब कुछ ठीक है का? अरे जाग जाओ, सो रहे हो क्या बच्चों मेरे, समझ गए कि नहीं, सब समझ में आ गया पूरा पेज बेटा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बाबू, हैव क्लियर योर ऑल द पॉइंट्स गिवन हियर इन दिस पीपीटी,
हाँ वेरी गुड, बीच बीच में जी सर करते रहो, नहीं तो हम तो मस्त हो गए बिल्कुल उसी गाथा में। एवरीथिंग इज ओके 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 ओके, तो मैं चलता रहूं भागता रहूं इसी तरह, बहुत अच्छे बेटा। चलो, ऑल दो 19 ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज हैड बीन पब्लिश्ड इन क्वार्टो। अब दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही चीजें तो निकाल के लाया हूं मैं इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा, जब तक कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे लैंग्वेज, और हिस्टोरिकली, जो हिस्टोरिकली यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इतिहास और लिटरेचर की यही खास बात है कि हिस्ट्री और लिटरेचर दोनों साथ साथ चलती हैं। ऑल दो 19 ऑफ शेक्सपियर प्लेज हैड बीन पब्लिश्ड इन क्वार्टो 1623 में, एक क्वार्टो में ही 1623 में भी ये पब्लिश किए गए थे। फर्स्ट फोलियो इज आर्गुबली द ओनली रिलायबल टेक्स्ट अबाउट 20 ऑफ द प्लेज। 20 प्लेज जो खो गए होते इतिहास में, उनका नामो निशान नहीं रह जाता, जो 19 पब्लिश किए गए थे उनके अलावा जो बचे थे, उनका जो रिलायबल टेक्स्ट है उसका उसका ये फर्स्ट फोलियो ही जन्मदाता और आधार, एंड वैल्यूएबल सोर्स टेक्स्ट फॉर मेनी ऑफ दोज प्रीवियसली पब्लिश्ड, और उन सभी का भी जो क्वार्टो में 1623 में क्वार्टो में पब्लिश हो चुके थे, रिपब्लिश हुए। 18 ऑफ द प्लेज इन फर्स्ट फोलियो इंक्लूडिंग द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट एंड मेजर फॉर मेजर अमंग अदर्स आर नॉट नोन टू हैव बीन प्रीवियसली प्रिंटेड। ये पहले प्रिंटेड ही नहीं किए, ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट फोलियो में ही प्रिंट हुए, ये कभी प्रिंट ही नहीं हुए थे, और ये सारे के सारे खो गए होते, ये सारे के सारे खो गए होते अगर ये फर्स्ट फोलियो ना रहा होता। द फोलियो इंक्लूड्स ऑल द प्लेज जनरली एक्सेप्टेड टू बी शेक्सपियर्स, और इनमें सारे वो प्ले जरूर शामिल किए गए जो पूरी तरह से शेक्सपियर के ही थे, जिसमें पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर था, एक ही नाम है, द टू नोबल किंग्समैन था, ये वो नाटक थे जिनको ये माना जाता था कि ये इन्हीं के हैं, एडवर्ड थर्ड था, कार्डेनियो लव्स था, और ये दो लास्ट प्लेज थे, लव्स लेवर्स वन, ये दो प्ले हैं, और 37 वो 37 और प्लस दो, ये 39 की संख्या आपकी बन रही है, प्लस दो कौन से दो, ये कार्डेनियो एंड लव्स लेवर्स वन। आउट ऑफ परहैप्स 750 कॉपीज प्रिंटेड, 235 आर नोन टू रिमेन, मोस्ट ऑफ विच आर केप्ट इन आइदर पब्लिक आर्काइव्स और प्राइवेट कलेक्शन, या तो पब्लिक आर्काइव्स में है या तो वो प्राइवेट कलेक्शन में है, जो 750 कॉपी में से 235 कॉपीज बची हुई हैं, और वो इतनी कीमती हैं। अब ये तो मैं बता चुका हूं आपको, इसमें 900 पेजेस है, डेट है ये पब्लिकेशन की। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझो, बेन जॉनसन रोट अ प्रीफेस टू द फोलियो विद हिज पोएम एड्रेस टू रीडर, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पॉइंट को नोट करिए बेटा आप, कि बेन जॉनसन ने इसका प्रीफेस लिखा था, ये आप जानते हो सकते हो पहले से इस फोलियो का, और ये टू द रीडर ये वो कविता थी जो बेन जॉनसन ने प्रीफेस में लिखी थी, फेसिंग द डोरसाउट पोर्ट्रेट एवरी एनग्रेविंग, और जो आमने सामने डोरसाउट के द्वारा पोर्ट्रेट जो शेक्सपियर की लिखी गई थी, शेक्सपियर की जो पोर्ट्रेट लगी है यहां पर, ये पोर्ट्रेट जो लगी है ना, डोरसाउट ने बनाया था इसको, डोरसाउट ने, ये देखो नाम है लिखा मैथ डोरसाउट इसके, यहां पर ये कविता टू द रीडर, देखो यहां पर लिखा टू द रीडर, यानी रीडर के लिए जो हम लोग हैं पढ़ने वाले, उनके लिए ये लिखा गया था यहां पर, किसके द्वारा बेटा, बेन जॉनसन के द्वारा। क्लियर है बात, ये बेन जॉनसन के द्वारा यहां पर लिखा गया था, ये शेक्सपियर की वो पोर्ट्रेट है जो एनग्रेव की गई थी मार्टिन डोरसाउट के द्वारा। क्लियर हो गई बात, अब आ जाओ। द डोरसाउट पोर्ट्रेट और डोरसाउट एनग्रेविंग इज अ पोर्ट्रेट ऑफ विलियम शेक्सपियर एनग्रेव्ड बाय मार्टिन डोरसाउट। ये डोरसाउट पोर्ट्रेट वो पोर्ट्रेट है जो डोरसाउट मार्टिन डोरसाउट के द्वारा एनग्रेव की गई थी, खुदाई करके लिखी गई थी, कागज पे, मोटे कागज पर खोदी गई थी, खुदी गई थी। फोलियो
द फर्स्ट फोलियो इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रिंटेड बुक्स, ये सबसे कीमती किताबें जो संसार की है उनमें से एक है। अ सेकंड सोल्ड, अ कॉपी सोल्ड एट क्रिस्टल्स इन न्यूयॉर्क इन अक्टूबर 2001 में एक कॉपी बेची गई, मेड $6.16 मिलियन। हैमर प्राइस जो बोली लगी थी वो थी 3.73 मिलियन उस समय, वो अब क्या हो गई 6.16 मिलियन अक्टूबर 2020 में। अ कॉपी सोल्ड बाय मिल कॉलेज एट क्रिस्टल फेच्ड अ प्राइस ऑफ 10 मिलियन। फिर मिल्स कॉलेज के द्वारा 2020 में एक कॉपी सोल्ड की गई, उसकी कीमत 10 मिलियन थी। आप समझ सकते हैं कि $10 मिलियन 70 मिलियन रुपीज होते हैं, मेकिंग इट द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्क ऑफ लिटरेचर एवर ऑक्शन। और ये सबसे सबसे ज्यादा बोली लगने वाला लिटरेचर का कोई बुक बन गई। कौन? फर्स्ट फोलियो की बात कर रहे हैं। ये है वो पॉइंट्स जो आपको जानने जरूरी है और आपको याद रखने जरूरी है, कम से कम दिमाग में रहने जरूरी है। यह है शेक्सपियर की औकात। मैं अब थोड़ा सा ब्रेक लूंगा क्योंकि मुझे लगी है भूख। देखो सब ठीक है, मैं थोड़ा सा खाऊंगा जरूर तभी काम चल पाएगा। 6:30 से पहले मुझे रेडी भी होना है, इसलिए गुड बाय, थैंक यू।